बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आरोह पुस्तक की सहायक पुस्तक किताब पाठ दो राजस्थान की रजत भूमि नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। देखिए अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई। जब मैं सरका दी जाती है ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है रस्सी की कुंडली को टिकाई रखने के लिए। बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के ब्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना खी भी, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी वन बावल या कुवट के पेड़ों की जंगलों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो 8 तक से भी काम लिया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1, रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए क्या करते हैं? उत्तर, इसके बीच में कहीं कहीं चिनाई करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए कितनी लंबी रस्सी अपेक्षित रहती है? उत्तर, 15 हाथ लंबी रस्सी की जरूरत रहती है। प्रश्न नंबर 3, 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी थामने के लिए लगभग कितने लंबे रस्ते की जरूरत रहेगी? उत्तर, 4000 हाथ लंबा रस्सा जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि कोई देखने वाले भ्रमित हो जाएंगे? उत्तर, पहली बार देखने वालों की समझ में यह नहीं आएगा कि कोई खुद रही है या रस्सा बन रहा है, पूरी कोई रस्सी से ढक जाती है। प्रश्न नंबर 5, जहाँ खेत घास न मिले और पत्थर भी चिनाई के लिए न मिले वहाँ क्या करते हैं? उत्तर, ऐसी जगह भीतर की चिनाई लंबी लकड़ी के लट्ठों से की जाती है। प्रश्न नंबर 6, कौन कौन सी लकड़ी के लट्ठे बनाए जाते हैं? उत्तर, का अरणी खा वन गा बावल या कुंभट पेड़ों की जगहों के। होमवर्क में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक लिखना। That's all.